बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाली ये दुनिया दरअसल एक तीसरी दुनिया है। यहाँ एक तीसरा व्यवसाय चलता है। अंधेरे में चलने वाला ये व्यवसाय इस शहर के गुंडों की जीवन रेखा है और इसको चलाने वाला है पेट्रोल। स्टूडेंट्स को आज आसानी से मिलने वाले अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, इन सब के सप्लायर यही लोग हैं और इनकी वजह से ये धंधा यहाँ पूरे जोर शोर से चलता है। पेट्रोल का पार्टनर है पीसी। पीसी का मतलब पुलिस कॉप नहीं, परफेक्ट कैचर। जाने दो। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में अपने पैर फैलाता जा रहा है एसिड बाबू, और इस एसिड बाबू का छोटा भाई है पेट्रोल। पेट्रोल के ये सारे काले कारनामे प्रेस और टीवी वाले एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है और इनके कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भाई, पेट में जो चूहा है वो ये मांग रहा है क्या? भाई चेका भाई के नाम पे एक चाय और बन देना इसको। खा लो बॉस।
वरना सेटलमेंट के लिए जब सेटिंग करनी होती है तो सिर्फ एसेट बाबू का नाम लिया जाता है यहाँ बेंगलुरु में, तो तूने कोतवाल का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? ए, सुन। जो पिक्चर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो चुपचाप देखते रहना, समझे? इसके सिर पे मत मारना, जल्दी मर जाएगा। इसके राइट पैर पे मार। अब इसे उठाकर ट्रेन ट्रैक पर फेंक दो। ए, पागल है क्या तू? तो ऐसे राजा की तरह बैठा है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पता है कौन आया था? एसिड बाबू, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का किंग, और उसके सामने तू ऐसे बैठा हुआ था। मर्डर किया है उसने। ए, तेरे को डर नहीं लगता है क्या? उसका मतलब क्या होता है? तू पूछ रहा है उसका मतलब क्या होता है? ए राजा, नाम क्या है तेरा? मालिक। मालिक मतलब राजा है तू? किधर जा रहा है? जिधर मैं पैर रख दूंगा उधर। ओ, अच्छी बात है। आने को पैसे नहीं और कह रहा है जिधर पैर रखूंगा उधर। होश में है तू? लगता है सुसाइड करने के लिए तू यहाँ बेंगलुरु आया है। चुपचाप अपने गांव चला जा। भाई, चिका भाई का नाम पे लिख देना, हिसाब कर दूंगा। अरे चल हट चिका भाई, भिखारी, खुद के खाने के पैसे नहीं है और दूसरे को खिलाएगा यहाँ पर, चल जा। ए, सुन, अभी जो यहाँ से गया वो कौन है? अरे छोड़ो, उसको बच्चा चुराता है वो। ये वाला लॉकअप खोल दीजिए जल्दी। गहरी नींद में थे, लगता है डिस्टर्ब कर दिया। 3 साल से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आंख बंद करता हूँ एसिड बाबू नजर आने लगता है मुझे। नींद उड़ चुकी है मेरी। डायबिटीज के पेशेंट को सही समय पर खाना पीना करना चाहिए। जब तक एसिड बाबू को मार नहीं देता तब तक बीपी, शुगर, हार्ट अटैक मेरी ओर नजर भी नहीं कर सकते। एसिड बाबू ने आपके आदमी को वहाँ टी स्टॉल पर मार डाला है, आपको पता चला कि नहीं? वो सोच रहा है खामोश बैठा हूँ तो उसकी बलि चढ़ाना भूल गया हूँ। ये कोतवाल है, इसको बेल नहीं मिली अब तक, और एसिड बाबू को मारने का सपना लिए पिछले कई साल से जेल में ही सड़ रहा है। चिंगारी भड़क रही है, आग कभी भी लग सकती है। आज न छोड़ेंगे तो बन और चाय वाला मालिक। बन और चाय वाला मालिक नहीं, मालिक। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस भाई के पैलेस का एड्रेस आखिर तुम्हें किसने दे दिया भाई? कचरे में फेंके बच्चे चुराने वाले चोर का पैलेस ही है। ये कौन सा पैलेस है? तेरे बाप की समाधि। इसने तो मेरे ऊपर ही हाथ डाल दिया, बच्चों का चोर, मेरे बारे में सब बता दिया। क्या वो क्या है कि अपने लव की वजह से मैं बेंगलुरु आया, मीटर वाले के पास अपने आप को गिरवी रखा, मेरी लवर फाइनेंसर के साथ भाग गई, ये सारी कहानी बता दी क्या? तेरी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ भाग गई है क्या? बाप रे, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई मुझसे? क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्यों कचरा किया अपना? क्यों किया? क्यों किया? तू हेलो, ओवर एक्टिंग बंद कर, मुझे नींद आ रही है। ओवर एक्टिंग? मालिक, मालिक, ये बिस्तर मेरा है मालिक। ओए, एक फटका दूंगा तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। सो जा, कचरे की जिंदगी इसी को कहते हैं। अच्छा मालिक, 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 क्या है? आप ऊपर सोए हो? हाँ तो। और मैं नीचे सोया हूँ? हाँ तो, क्या करूँ? आपको नींद में सुसु करने की आदत तो नहीं है ना? अपनी बहन का एड्रेस देगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, जय जगम्मा। क्या भाई मालिक, बेंगलुरु को इतना सीरियसली देख रहा? परचेज करेगा या लीज पे लेगा? है सोच रहा हूँ कि किधर से शुरू करूँ। ए भाई, तू क्या कैंपे गौड़ा का आखिरी वारिस है? कल जो तूने चाय और बन खाया ना, उसका फाइनेंसर मैं था, और अगर तुझे नाश्ता चाहिए ना तो वो भी मेरी जेब से कटने वाले हैं। और उसके बाद किधर से शुरू करना ऐसा बोल रहा है? बहुत बढ़िया, इसे ही कहते हैं बेगर ड्रीम।
भाई वो ऐसे ही बोल दिया यार। भाई जरा नाश्ता करवा देना। हा? नाश्ता क्या? मैं क्या तेरी माँ का स्टेपनी बेटा हूँ कि तू जो मांगेगा मैं दिलवा दूंगा? मेरी माँ का स्टेपनी बेटा अगर बच्चों का चोर होता तो मैं उसे उधर ही मार डालता। ये बच्चों का चोर है। ये बुड्ढा क्यों चालू हो गया? चाचा ये सिर्फ बच्चों का चोर नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ। स्टॉप। उस ओल्ड बॉडी ने तुमसे इस मैटर के बारे में पूछा था क्या? तुम्हें क्या चाहिए? चित्र आना चाहिए ना, वो मैं दिला दूंगा। पाया सूप ही चाहिए। ये टू मच हो गया बॉस। चाचा हो गया। डन। कुछ नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। हेलो, किधर मटर गश्ती कर रहे हैं जी? हम हमारे अड्डे पर हैं। जल्दी से घर आ जाइए। एड्रेस दो आंटी, आ जाऊंगा सोना। एड्रेस? आंटी तुम मेरे पति राम ही बोल रहे हो? नहीं, मैं हूँ चिक्का। तो तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे बता नहीं सकता था तू मेरा पति नहीं है? फोन रख। रॉन्ग नंबर में भी क्लास लेने लगे हैं बॉस। लगता है किसी धांसू आदमी का फोन चोरी किया तूने। पार्ट टाइम में तू ये काम करता क्या बता मुझे? बॉस पाया सूप के साथ 90 मांग लो, दे दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मजाक मत उड़ा। क्या मजाक? छोड़ो बस, कम नॉट। चल अभी पाया सूप पहला। सलाम मैम। रागिनी, वेयर आर यू? आई एम ऑन द वे। या जस्ट अ मिनट। पाया सूप अच्छा नहीं हुआ तो बहुत मार खा गया। होने का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा था कि कॉलेज के पास आ जा, ठीक है? मैं भी वहीं आ रही हूं। कौन है रे ये धन्ना सेठ की लड़की? भिखारी को 500 रुपए दे रही है। ऐ वो रतनलाल सेठ की बेटी है, बेंगलुरु में 5 गोल्ड की दुकान, और यह है इकलौती बेटी। इसका कॉलेज कौन सा है? कैच करने के लिए स्केच बना रहा है क्या? सेठ लोग आए, वो बिहार से गुंडे बुलवा कर मर्डर करवा देंगे। तेरे को शाम को 1,00,000 रुपए दूंगा। 1,00,000 रुपए? पाया सूप और इडली का बिल मैं भर रहा हूँ और 1,00,000 रुपए तू मुझे देगा? ए बच्चों के चोर। ठीक है बॉस। बता कौन सा कॉलेज? वो सब डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। गारंटी? पक्का बॉस। चलो चलते हैं। ऑटो? ऑटो? पैसे कौन देगा? अंदर रखे ना 500 रुपए। हाँ वो भी देख लिया क्या? हाँ मैंने और भी बहुत कुछ देख लिया। चल चलते हैं। ऑटो तो बहुत डेंजर है। माँ की कसम यही कॉलेज है बॉस। तो दम मारता रहे, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस। आंटी एक सिगरेट देना। अच्छा बिस्किट है। ए चोर, तू मुझसे बिस्किट नहीं मांग सकता क्या? अब माफ कर दो आंटी, वो क्या ना कि हर मीठी चीज पर मेरा हाथ अपने हाथ चला जाता है। बेशरम कहीं का। सॉरी, अच्छा सबक मिल गया। हेलो, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी। हाँ बोलो पूनम। रतनलाल, तेरी बेटी का किडनैप हुए 10 मिनट हो चुका है। किडनैप? 5,00,000 देगा तो तेरी बेटी सेफली तेरे घर पहुंच जाएगी, नहीं तो बिना कपड़ों के चल के आएगी। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? ये फोन तो मेरी बेटी का है ना। तेरी बेटी सेफली घर पहुंचनी चाहिए या फिर मेरा नाम चाहिए? देखो भाई प्लीज, मेरी बेटी को कुछ मत करना। पैसे कहाँ ला के तुम बताओ? नानवर्ती पुलिस स्टेशन मालूम है ना, वहाँ पे 3 बजे करेक्टली मेरा लड़का ब्लू शर्ट पहनकर पुलिस स्टेशन में अपने लास्ट केस का आखिरी साइन करने आएगा। पैसा उसके हाथ में दे देना। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, भाग लेते हैं बिंटू। बाबू तू किधर भाग रहा है? भाई मेरा फोन, मेरा नंबर, पुलिस स्टेशन के सामने ब्लैकमेल, पकड़ के बहुत पीटेंगे भाई। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे भाई, जाने दे। तू मालिक के साथ है, चल। अच्छा ऐसा है क्या? इधर घूम गई तुम्हारी गाड़ी। वो होटल के बाहर खड़ी की थी, कोई उठा के ले गया। अच्छा गाड़ी तुम्हारी गुम हुई है तो ये क्यों शेक कर रहा है? फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन सर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में किसी को मार खाते देख रहे हो? फर्स्ट टाइम? क्या हुआ सेठ जी, साहब से मिलने के लिए आए हैं? हाँ? वो अंदर बैठे हुए हैं। चाहिए गाड़ी का नंबर बताओ। K05EZ7010। ये
रहे 5 लाख। दादा मेरी बेटी 5 जाएगी। Excuse me. Yes? सुबह फोन गिरा था ना, वो एक्सचेंज हो गया था। ये आपका फोन है। ओह, इसीलिए सुबह से रॉन्ग नंबर आ रहे थे। ये झोल है क्या? It's yours. Welcome. Thank you. By the way, yes? आपके डैडी बार बार फोन कर रहे थे। Is उनसे it? फोन करके बात कर। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। कब किया फोन बॉस? मारा नहीं, कुछ किया नहीं। वाह, 5 लाख की डील कर ली बॉस। पक्का बॉस, तुम तो बेंगलुरु में रूल करोगे। ये ले 1 लाख रुपए जा ऐश कर। क्या सुगंध है बॉस, आपके साए में रहूंगा हमेशा। पुलिस आई तो भाग जाऊंगा बॉस। बॉस आपके साए में रहूंगा बॉस। सच में? सच में बॉस। जा मजे कर, चल चलते हैं। बॉस लेट आता है, और जब मैं पूछती हूँ तो गुस्सा करता है। सोचता हूँ कि दोपहर में आओ तो शूटिंग में बिजी रहती है, इसीलिए अभी आया। शूटिंग अच्छी तो चल रही है ना? हाँ अच्छी चल रही है। आउटडोर का प्लान था, उसका क्या हुआ? तू जाने नहीं देगा तो? तेरी मम्मी कहाँ है? तूने फोन किया था ना तू आने वाला है, इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया। सुना है तेरा सीरियल डायरेक्टर तुझसे चिपक कर बात करता है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं किस तरह से? अरे नहीं तू गलत सोच रहा है। आग अगर अपने आप लग जाए तो चलता है, पर लगा ही जाए तो ऑफेंस, गुनाह। दूसरों की स्क्रिप्ट चोरी करके डायरेक्शन देना गलत होता है, बोल देना उसे। Malik.
हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब मेरे साथ होता रहता है। तुम ये बताओ, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी परेशानी तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। मैं यहाँ से जा रहा था, देखा तुम पे अटैक हो गया, इसलिए आ गया। मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है कहाँ? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, किस तरफ जा रहे हो? यशवंतपुरा। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बस इधर ही रोक दो। तुम उसके साथ रहते हो क्या? नमस्कार भाई। हाँ, कल अड्डे पे आकर मुझसे मिलना। किधर? ऑटो वाले से कहना एसिड बाबू, वो तुम्हें खुद लेकर आ जाएगा। बॉस, सुबह सुबह तुमने डमी फोन करके 5 लाख का डील कर लिया और इस समय ये डॉन एसिड बाबू आपको खुद ड्रॉप करके गया। आपका स्कीम क्या है बॉस? अच्छा करने में टाइम लगता है, लेकिन बुरा करने में टाइम नहीं लगता। आपको देखकर अब डर लगने लगा है बॉस। बैंक में बैलेंस होना चाहिए या फिर इस तरह के लोग होने चाहिए। एसिड बाबू के सामने मैंने सिंपल सा स्केच डाला और वो मेरी जेब में अटका। पैसा बनाना। हाई वोल्टेज वायर के नीचे कोई घर नहीं बनाना चाहता और तू तो हाई वोल्टेज वायर को साथ में रखने की बात कर रहा है, थोड़ा सोच लो बॉस। बैंगलोर को गोद लेकर पूरे बैंगलोर में पावर सप्लाई करूंगा। बहुत दिमाग खाता है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? एक मिनट, अपना फोन देना। ये ले। 9900। इडियट, दिखने में तो शरीफ दिखते हो और मोबाइल चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? थू, कमा कर खा नहीं सकते? ऑटो सर, आपने जो अड्डा पूछा था यही है। हेलो, होल्ड ऑन। अंदर कहाँ चल दिया रे? अंदर कोई सिनेमा का शो चल रहा है? बता कहाँ जा रहा है? तो जैसे हाफ टिकट वालों से बात करने की आदत नहीं है मुझे। रुकने को बोला ना। अगर ठीक से बोला तो खाना खाएगा, नहीं तो लात खाएगा। तूने अपना नाम नहीं बताया? पूछा ही नहीं। अब बता। मालिक। मतलब ईश्वर, गॉड, तेरे माँ बाप ने अच्छा नाम रखा है तेरा? मेरी मम्मी ने मेरा नाम राम रखा था। मुझे वनवास जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही बदल दिया, मालिक रख लिया। बता, बुलाया तूने है? मेरे लिए काम करेगा तू? मुझे किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं है, करूंगा भी नहीं। डील में 50-50 देगा क्या?
पालतू कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, वो काटते कभी नहीं। अपना शिकार खुद करके नॉनवेज खाने वाले टाइगर को साथ में रख, काम आएगा। तेरे अंदर ये जो अहंकार है ना, याद रखना, किसी काम नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले को देखकर सामने वाले को ऐसा ही लगता है जैसा तुझे। तेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे खुशी हो रही है। यही एटीट्यूड तो अंडरवर्ल्ड में नंबर वन बनाता है। इसीलिए मैं 50-50 मांग रहा हूं। डन। हेलो, मालिक जरा मेरे साथ चलो। बस अकेले जाएंगे, मैं फोन करूंगा। 24 घंटे हम लोग इसके पास काम करते हैं और इसने आते ही धाक जमा लिया। तूने पूछा नहीं कि कहाँ जाना है? जिसे अपनी जान प्यारी होती है वो पूछता है कहाँ और क्यों, मुझे नहीं है। मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में हर गैंग को एक पक्का प्लान बनाकर देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है। उसका नाम है शिवाजी घोरपड़े। शहर के गुंडों के लिए एक तरह से वो गॉडफादर है। कितने ही केसेस को कोर्ट में जाने से पहले ही उसने सेटल कर दिया। उसको आने को बोला था ना? फोन किया उसने, आता ही होगा। अब क्या हुआ? मेरे दूसरे बेटे को छुड़वा दो ना सर। अरे कितनी बार तेरे बेटों को छुड़वाऊं मैं? कभी बड़ा अंदर रहता है तो कभी छोटा अंदर रहता है। दहेज के लिए कितनी बीवियां मारते जा रहे हो तुम लोग। रहने दो उसे अंदर, कम से कम लड़कियां बाहर चैन से तो रहेंगी। पैसा कितना भी लगे लगने दो सर। मुझे पैसों की क्या गर्मी दिखा रहा है? फोन करूंगा तो तेरे बेटे को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। गेट आउट। जैसा बाप वैसे बेटे, सब एक जैसे। आप इस वक्त गुस्से में है, कोर्ट में आकर आपसे मिलता हूँ। मैंने बोला था ना तुझे, कभी किसी को साथ मत लेके आना यहाँ। एक मिनट मालिक, यहाँ किसको लेकर आना है किसको नहीं लेकर आना है मेरी समझ में नहीं आता क्या? यहाँ किसी को लेकर आया हूँ तो आपको पता है उसका कोई मतलब होगा। हाँ अब बताओ मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर क्या है ये तेरे को मालूम नहीं है क्या? मीरा रोड सर्कल के पास जो लैंड है वहां का कंपाउंड बनाया मैंने, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो तैयार किए मैंने। वो आईटी कंपनी को सेटल कर दूंगा बोल के 5 करोड़ रुपया एडवांस लिया मैंने। देख चाहिए तो तू अपना परसेंटेज ले ले, लेकिन इस डील से तू हमेशा के लिए दूर हट जा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ऑलरेडी इस मैटर में 2 लाशें गिर चुकी हैं। मारेगा मेरे को? मारेगा? मार मार ना बे। ए बाबू बोल इसको, पिस्तौल दिखाकर मेरे को डराए नहीं, बोल इसको। तो इतना फड़फड़ा रहा तो फिर सेटलमेंट के लिए क्यों बुलाया? तो खुद बाहर ही सेटल कर देता। देख अगर सेटलमेंट के लिए बुलाया है तो चुपचाप सेटलमेंट के बारे में बात कर, अगर कुछ लफड़ा करना है तो बाहर मैदान में चल। सुन ज्यादा उड़ा मत कर, अपनी औकात में रहा कर। आपके सामने ये सब ठीक नहीं लगता। यहाँ पर चौथी बार सेटिंग के लिए आया हूँ, मैं अकेला हूँ आपको पता है ना, फिर क्यों बार बार बुलाते हो? चलो मालिक। अरे राम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सब ओपन में होने वाली डील नहीं है, लेकिन तुमने सुनी नहीं। कुछ लोगों को सामने से मारना चाहिए और कुछ को छिपकर। भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण यही कह के गए हैं। कुंटा, लड़कों को रेडी कर दे, बेंगलुरु में अब या तो एसिड बाबू रहेगा या फिर मैं। बीपी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अगर बढ़ जाए तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। बाबू बाबू छोड़ने को बोल। तेरे हाथ में घोड़ा होता तो तू छोड़ देता? इतने सालों से हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खाया है हमने। देख दोस्त, मैं ये फील्ड छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार।
ए, अगर तुझे अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो अंडरवर्ल्ड में क्यों आया तू? बाबू इसे छोड़ने को बोल। मालिक, पेपर वालों के लिए यह हॉट न्यूज होगी। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में यह खबर आग की तरह फैल जाएगी। तूने कोई छोटा मोटा विकेट नहीं गिराया इस फील्ड का, वो बहुत बड़ा प्लेयर था। हम दोनों की एंट्री साथ में हुई थी, बड़े बड़े विकेट लिए थे हम लोगों ने। कोई भी प्लेयर साए आ जाए, लेकिन फील्ड हमारी होनी चाहिए। छोटा विकेट बड़ा विकेट मायने नहीं रखता, गेम मायने रखता है। घोड़ा निकाल कर माथे पे लगाया तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। माइंड में एक बार प्लान बना तो फिर विकेट गिरना ही चाहिए। अलर्ट होने से अच्छा है कि हम एक्टिवेट हो जाएं तो मैटर क्लोज। बोल रहे बॉस, किधर हो? बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए बोला था, इंतजार कर रहा था आपका। आता हूँ रख। कब आ रहे बॉस? बर्थडे के लिए मर्दों जैसे कपड़े खरीदना। अभी ये सब जरूरी है क्या? देख, तेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई ना, इसीलिए मैं। माँ कसम गुरु, तुम्हारी पैंट भी नहीं चाहिए, शर्ट भी नहीं चाहिए, चड्डी भी नहीं चाहिए। बिना कुछ खरीदे यहाँ से चला जाऊंगा। बर्थडे वर्थडे क्या भाड़ में? सही बोल रहा हूँ। अगर तू बहुत बड़ा मर्द है तो फिर जरा ये बात प्रूव करके दिखाना तू। एक्सक्यूज मी आंटी, आप फ्री हैं क्या? इडियट, उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। मेरे पहनने के लिए कोई कपड़े हैं ये पूछना चाह रहा था। मर्दों के कपड़ों का सेक्शन उस तरफ है, शायद तुम्हें मिल जाए। तुम्हें भी डाउट है क्या? मैंने उस सेंस में नहीं कहा। नॉनसेंस बॉस, बर्थडे गिफ्ट तो बहुत कड़क था। बाबू एक नंबर लिख ले। नंबर क्या है? एक मिनट होल्ड कर। बाबू तुझे क्या बताऊं मैं, तूने एकदम सही टाइम पर फोन किया है। बाद में बात करता हूं, अभी रख। सावधान रहना, ऐसे लोग फोन चोरी कर लेते हैं। हाँ, चोरी कर लेते हैं। फ्रेंड, आप अपना फोन संभाल कर रखिए। अगर कोई लूटने आए तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस? अरे आप क्यों भाग रहे हैं? पुलिस को बुलाने हैं। अभी तो चोर भाग गया, अगली बार सावधान रहिए। ओके मैडम। क्या बॉस, लव है क्या? क्या कहा? क्या बॉस, लड़की इतना कुछ सुना कर गई, लड़के ने कुछ नहीं बोला, लव नहीं तो और क्या है? मालूम पड़ गया ना तुझे, तो अपना मुंह बंद रखना। क्या बाबू, किस गहरी सोच में तू? इस बेंगलुरु को, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, इन सब का मैं ही किंग हूं। फेक करेंसी, इल्लीगल वेपन्स, एंटायर बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को मैं ही सप्लाई करता हूं। मुझे ये सब बेंगलुरु हार्बर से आता है। ये सब माल भटकल रोड से होकर बेंगलुरु पहुंचता है। मुझे पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भटकल में मुख्तार नाम का एक गुंडा है। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी आने वाली लॉरियों को रोककर ड्राइवरों को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो मेरा सारा माल सीज करके मुझे टेंशन देता है। अभी मेरा 10 करोड़ का माल कब्जे में करके बड़े अमाउंट की डिमांड कर रहा है। मैंने कई लोकल टॉन से एडवांस लिया है, वो सब मुझे फोन करके टेंशन दे रहे हैं। भटकल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। उस एरिया में जाने से पहले पुलिस वाले भी 10 बार सोचते हैं। मैंने भी 2-4 बार ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। उस वक्त
तेरे साथ मालिक नहीं था। बेंगलुरु में जितने भी गुंडे हैं उन सब की एक मीटिंग बुला, इस बार तो सक्सेस होगा। ए मालिक, तेरा दिमाग खराब है क्या? सारे गुंडे एक साथ हो जाएंगे तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाएंगे। बाबू, ये बीच में क्यों बोला? बस ठीक से सोच लेना। मालिक ने जो कहा है वो करो। बाबू, हम सबको एक जगह क्यों बुला लिया? क्यों बाबू, इतना अर्जेंट क्या था? सबको एक जगह लाकर बैठा दिया है, नीचे कोई बॉम्ब वॉम तो नहीं लगाया है? ऑलरेडी मरे हुए लोगों को बॉम्ब रखकर मारना ना मर्दों का काम है। ए, कमीने। ना मर्द अगर पैंट शर्ट पहन भी लें तो उनके घर बच्चे नहीं हो जाएंगे। चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कौन है ये नया पीस? फिल्मी हीरो जैसा बात कर रहा है? तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि जो माल तुम्हें सप्लाई होना था वो भटकल के मुख्तार के कब्जे में है। इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है। मुख्तार के साथ मैं डील कर लूंगा, लेकिन हर महीने आप लोग जो डील करेंगे उसका 10% हमें देना होगा। तेरा जो लुक है ना और तेरा डायलॉग सुन के मुझे तेरी बात पे भरोसा होने लगा है। मैं 10% देने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। धंधे में मना करना बुरी आदत है। नमक हराम कमीनों, तुम लोग मर गए तो ही अच्छा। मुख्तार भाई, क्या बे, इसकी मौत देखने आया क्या? भाई, रातों रात मेरी जगह दूसरे को बिठा दिया और मुझे दूसरी जगह भेज दिया। आने वाला इनकाउंटर करने में माहिर है। उस्ताद, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं डिपार्टमेंट ने आपको उठाने का प्लान तो नहीं बना लिया है। इन्फॉर्मेशन देकर नमक का हक अदा कर दिया। किधर किसे कैसे डालना है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर बात से नहीं झुका तो करेंसी काम आएगी ना, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो ये उसके नीचे रख देंगे और वो ऊपर चला जाएगा। सर, तेरा इधर क्या काम है? तेरा ट्रांसफर हो गया ना, आउट। ठीक है सर। ओहो, ये मेरे लिए रखेगा तू? किधर रखेगा? एसिड बाबू की कितनी लॉरी सीज की है तो ये सब एसिड बाबू का प्लान है। रुक, लॉरी को छोड़ने के लिए बोल बोल। रुक। हेलो, लॉरी के पास है ना, लॉरी छोड़ना। बॉम्ब ऑन होते ही तेरा मीटर ऑफ हो गया ना। जान इतनी प्यारी है तुझे और तू एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। हाँ, नहीं नहीं, आजकल ओरिजिनल बच्चों को ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलते। फिर स्टेपने बच्चे लाइन में रुकेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? छह बुलेट में से चार इस्तेमाल हो गई। जाकर एनकाउंटर बोल के फाइल दे दे, प्रमोशन मिल जाएगा। नियत की टोपी सर पर डाल ले, ऑनेस्टी का बेल्ट कमर में कस ले। इससे सारे लोग विसल बजाकर स्टार तेरे कंधे पर डालेंगे। जा, खुश रह। ये ले तेरी गन। थैंक यू सर। मेरी बच्ची। ए चीका, आवाज। हाय चार्वी। व्हाट अंकल? चल तेरे डैडी आए, आजा। या। आजा आजा आजा। हाय पापा, आप कहाँ गए थे? पुलिस के बच्चों को ऐसे चोरी करता है
तो बाकी बच्चों को कैसे करता होगा? अभी ये जरूरी था क्या? काम कराने के बाद ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है बॉस। अच्छा, सही कहा। हमें ऐसी खबर मिली है कि सुबह सुबह पुलिस और भटकल के मुख्तार के बीच हुई गोलाबारी में मुख्तार पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। हमारे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी। मालिक जैसा डेरिंग आदमी जब तक बाबू के साथ है, बाबू कभी नहीं हारेगा। तुम्हारा माल तुम तक पहुंच गया ना हैप्पी, तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। ओके मालिक, ए मालिक, तू असली टेरर है रे। आई एम टोटली हैप्पी टुडे। मैंने कई जगह पर प्रॉपर्टी बनाई है, बता तुझे कितनी चाहिए, लिख कर दे दूंगा। मेरी फेवरेट गिफ्ट तो तू ही है। खुश कर दिया। एक मिनट आता हूं। हाँ बोल चुका। हाँ वो बेंगलुरु को ड्रग सप्लाई करने वाला यही है मेरा छोटा भाई। इसकी स्पीड की वजह से गैंग वाले इसे पेट्रोल कह के बुलाते हैं। इसी के लिए मैंने इस धंधे में कदम रखा है। बस ये समझ लो कि ये मेरी जान है मालिक। हाई टेंशन हाई पावर कभी देखा है? मीट माय फ्रेंड मालिक। सॉरी मालिक, ये थोड़ा सिर फेरा है। पेट्रोल, इसका नाम शिरीष है, उम्र 20, पढ़ाई कर रही महारानी कॉलेज में, घर गायत्री नगर में, और अगर चिल्लाए तो मम्मी अकेली आएगी क्योंकि डैडी मर चुके हैं। साथ में बर्गर की तरह एक फ्रेंडशिप की रहती है, वो 4 बजे घर पहुंचती है और ये 5 बजे घर पहुंचती है। लड़की एकदम कड़क है, मुहूर्त फिक्स करके उसे उठा के लेके आता हूँ ना। पीसी पीसी, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करूँगा, उठा कर ले आ, अब इंतजार नहीं होता। 9900550055। हेलो रमिया बोल रही है ना? हाँ मैं रमिया ही बोल रही हूँ। तुम मेरे भाई के फ्रेंड रवि हो ना? हाँ हाँ करेक्ट। क्या हुआ, किधर हो तुम? मैं शेरशाह के साथ क्रिकेट क्लब में कॉफी पी रही हूँ। तो उधर ही रुकना। ये चोर फ्रेंड्स, ये आदमी मोबाइल चोर है, आप अपना स्मार्टफोन संभाल के रखिए। दूंगा ना, चोर बोलती हूँ। hey, कौन है रे तू? कॉटन कैंडी? कॉटन कैंडी नहीं, रम्या। रम्या हो या छमिया हो, चलो आउट 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 आउट। बी केयरफुल। और तू, मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली सुन। रेपिस्ट का अगला टारगेट तू है, अगर तू उनके हाथ लग गई तो वो तेरी पार्टी कर दें, इसलिए घर से 2-4 दिन निकलना मत दो। चोर चोर बोलती, दूं क्या रख? ओहो, चोर लोग भी आजकल सलाह देने लगे हैं। रेपिस्ट का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उड़ने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। अब निकल लो यहाँ से, निकलो निकलो। तेरी किस्मत ही ऐसी है तो तू ही जान। अच्छा हुआ। सॉरी बॉस। इट्स ओके। वॉशरूम किधर है? वो वहां सामने। Thank you.
उस नोटोरियस एसिड बाबू का छोटा भाई है। यस सर। उसे इन्फॉर्म कर दिया ना? सुबह ही कर दिया सर। अगर तूने उसे भाई बोलकर अपना लिया तो पुलिस तेरे सारे पुराने केसेस खोल के तुझे अंदर कर देगी। इस वजह से क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूं? भाई बेटर है। इंसिडेंट होने के बाद भी अपने भाई को देखने नहीं आया, मतलब हार्ड कोर क्रिमिनल है वो। डर गया होगा कि इससे लिंक करके उसे कहीं अंदर न डाल दें। एसिड बाबू की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। इस बॉडी को विक्टोरिया मॉर्ग में शिफ्ट कर दो। 24 घंटे वेट करना। तब तक वो नहीं आया तो एज पर लॉ इस बॉडी को लावारिस घोषित करके
डिस्पोज कर देना। बाहर रहेगा तो गेम खेल सकते हैं, पर एक बार अंदर गया तो वो तुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, सोच ले। सॉरी मालिक, मुझे सब पता चल गया। दुख की बात यह कि पुलिस ने बॉडी को लावारिस घोषित करके चला दिया। भाई भाई, तो मुझे तकलीफ है, मेरे भाई को किसने उठाया मुझे पता चलना चाहिए। बेंगलुरु, पूरे बेंगलुरु को चला दूंगा। इसका प्लान बना था बेंगलुरु सेंट्रल जेल में। क्या कहा, कोतवाल ने किया ये सब? अगर वो हवा भी छोड़ता है तो मुझे पता चलता है मालिक। क्या पता चलता है तुझे, साउंड या बदबू? सिर्फ भ्रम में जी रहा है तू, ये ले सुन। बाबू और उसके भाई को जब तक मौत के घाट नहीं उतार देता, मैं मरूंगा नहीं। बाबू तू पागल मत बन, तेरा भाई वापस नहीं आएगा। आगे क्या करना है वो सोच। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मालिक। वो सब मुझ पर छोड़ दे, पहले उसकी बेल रेडी कर दो। बेल जरूर रेडी करूंगा, लेकिन उसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा, तू बेल रेडी कर। यस मालिक। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभर कर आने वाला है मालिक। अंदर जो आग लगी है उस वजह से सिगरेट का धुआं किक नहीं देगा। गुंडागिरी में किक विक से कुछ नहीं होता, सोचना पड़ता है। इतना सब सोचने वाला कोतवाल पिछले 4 साल से जेल में ही है, मतलब तेरी घर में बच्चों को गोद में खिलाने वाले ने तुझे जेल में बंद कर दिया और तुझे बेल न मिले इसलिए जज को बाय बोल दिया। तेरी थिंकिंग को माइलेज ही नहीं मिला ना। इतना सब कुछ मालूम है तुझे, इसके बाद भी उस कमीने के साथ रह रहा है। आग से पानी गर्म कर सकते हैं, उसी आग से घर में रोशनी भी कर सकते हैं और गांव भी जला सकते हैं। इस बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में इलीगल वेपन इंट्रोड्यूस करने वाला मैं ही हूँ। आज अंडरवर्ल्ड में जितने भी गुंडे घूमते नजर आ रहे हैं, उन सब के हाथों में जो हथियार हैं, वो मैंने ही दिए हैं। ये हथियार कहाँ से आते हैं उस जगह के बारे में मेरे अलावा सिर्फ एसिड बाबू को ही पता था। उस कमीने ने मौके पे मुझे अरेस्ट करवा के अंदर डलवा दिया, लेकिन उसकी इस बात से मुझे चोट नहीं पहुंची। उसने मेरी पत्नी और बच्ची को मार डाला। तब से मैं खून का घूंट पी के जी रहा हूं। बाबू और उसके भाई को जब तक मौत के घाट नहीं उतार देता, मैं मरूंगा नहीं। अभी जो बचे हैं वो सब सिजेरियन ही हैं, पेट फाड़ कर बाहर आते हैं, और ऐसे में तू अंदर बैठकर उन्हें मारने की आस लगाए बैठा है। नेक्स्ट वीक तुझे बेल मिलेगी। अपना मूड क्यों खराब कर रही है? कॉफी पी ले, तेरा सिर दर्द कम हो जाएगा। बेटी तू ले, ले पीना कॉफी। ये बताइए आंटी कि ये यहाँ घर कैसे पहुंची? इसका कोई फ्रेंड था, डॉक्टर को दिखाने के बाद इसे यहाँ छोड़ गया। मेरा फ्रेंड? श्रीशा देख रही हूँ तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं, खुद को लड़का समझती है। कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ, टीवी पर देखती है ना तू कि हर रोज ऐसी कितनी घटनाएं घटती रहती हैं। पता नहीं तुझे ये कब समझ में आएगा, सब लोग समझा समझा के थक गए, अभी तक बच्ची बनकर घूम रही है। फ्रेंड? मेरा कौन फ्रेंड हो सकता है? एक मिनट अपना फोन देना। ले शिवाजी नगर में बिरयानी खिलाओगे क्या बॉस? मैसूर की मिठाई भी खिला दूंगा, चल। हेलो, वो मैं श्रीशा बात कर रही हूँ। कौन श्रीशा? वही श्रीशा सर, जिसने आपको फोन चोर कहा था, जा जा निकल जा ऐसा कहा था। वही श्रीशा। तुम्हारी कसम मैंने कोई फोन चोरी नहीं किया। सॉरी वो बात नहीं है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपसे मिल सकती हूँ? अरे अचानक क्या हो गया बॉस? बेटा पता नहीं क्यों कार जर्क मार रही है, थोड़ा धक्का मारेगा। ओके बॉस, अभी दिखाता हूँ कि मेरा पावर क्या है। अरे सॉरी क्या, इसीलिए मैं हमेशा ऑटो में ही चलता हूँ बॉस। उनको पैसे दो, आराम से घर पहुँचो। हाय हाय। सॉरी सॉरी किस लिए?
आपने कहा था मुझे कोई किडनैप करने वाला है और मैं सावधान रहूं। लेकिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आपने जो कहा वो सच था, किसी ने मुझे किडनैप किया था। अगर भगवान के नाम पर बोल दिया तो तुम 100 हवन भी कर लेती हो। कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलेगा तो तुम वो भी कर लोगे, लेकिन हमने एडवांस में कुछ कहा तो हमें झूठा ठहरा दिया। तुम लड़कियों की मेंटालिटी ऐसी होती है, समझ में ही नहीं आती। खैर छोड़ो, तुम सेफ तो हो ना? हाँ हाँ, मैं सेफ हूँ। उस दिन कोई मुझे घर तक छोड़ गया था, वो कौन था मुझे पता नहीं। आपको जितना भी थैंक्स कहूँ कम होगा। थैंक्स भगवान को देना। खैर छोड़िए, आपने अपना नाम नहीं बताया। मालिक। मालिक, ये तो बहुत ही डिफरेंट नाम है। मैं भी थोड़ा डिफरेंट ही हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। नाटक? और नहीं तो क्या? मुझे जिसने बचाया वो तुम थे, और मुझे घर तक सेफली पहुंचाने वाले भी तुम ही थे। मुझसे नाटक खेल रहे हो? कौन है वो? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा है, बात कर लो ना। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उससे थोड़ा सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में बात कर लूंगा, छोड़ो। क्या बिजनेस है तुम्हारा? क्यों, मुझ पर कोई शक हो रहा है क्या? ये बात नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया। हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्या है? आई एम अ गैंगस्टर। इधर आना, अपना चेहरा करीब लाओ। अगर क्लीन शेव करोगे ना तो अमूल बेबी लोगोगे तुम। और गैंगस्टर, अपना चेहरा आईने में देखो। ये हुई ना बात, 4 साल की कोशिश 4 दिन में ही खत्म कर दी। क्या चाहिए तुझे? तेरी जान चाहिए। शाबाश, मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेल मिलने की खुशी में तुझे मिठाई खिलानी चाहिए, पार्टी देनी चाहिए, और तूने सबके हाथ में तलवार दे रखी है। मालिक को ही मारने का प्लान बनाया क्या? बकरी को चारा दिखाकर पकड़ते हैं, और तूने मुझे चारा बनाने के लिए बेल दिलाई। मानना पड़ेगा तेरे को। ये वीडियो देख। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मालिक। वो सब मुझ पर छोड़ दे, पहले उसकी बेल करा। बेल जरूर रेडी करूंगा, लेकिन उसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। जब जेल में बैठकर तूने मेरे नंबर पर फोन किया था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि बाबू के साथ रहने वाला बकेट तेरा ही चेला है। चेला चेला, ए मर गया कमीना, तेरे जैसा जिगरा वाला एक भी अगर मेरे पास होता तो पूरा बेंगलुरु मुट्ठी में कर लेता। वाह 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 वाह, चश्मा लगा लोगे तो मौत सामने नजर नहीं आएगी क्या? देख, बात यह है कि मैंने एसिड बाबू से प्रॉमिस किया था कि तेरी मौत का लाइव टेलीकास्ट उसे दिखाऊंगा।
ओके ना? खुश कर दिया मालिक। मे कम इन सर, प्लीज कम। जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होकर आप एक महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट सर? बस फैमिली ट्रिप, नो सीक्रेट्स। लोगों का कहना है कि बेंगलुरु के गुंडों ने अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए फंड इकट्ठा किया और आपको आपकी फैमिली के साथ फॉरेन भेज दिया, क्या ये सच है? स्टॉप इट, बेकार की बातें मत करो। मैं गुंडों के पैसे पर जीऊं इस तरह का आदमी नहीं हूं। आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, नो गोल्डन स्पून। डिपार्टमेंट ने मुझे सब कुछ दिया है, वेट एंड सी। सबके सामने बोल रहा हूँ, छुप छुप कर कारनामे करने वाले गुंडों को भगा भगा कर मारूंगा, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को जीरो कर दूंगा। एनी एविडेंस, एनी विटनेस, कॉल 9900111133। एनी मोर क्वेश्चन? टेरर थॉमस, ये बुलाकर बात नहीं करता है, इसकी फितरत है ढूंढ कर मारना। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना करा रहा है, इसलिए इमोशनल होकर बात कर रहा है। हाँ, इतने में पड़ गए क्या? वो पानी का सांप नहीं है, किंग कोबरा है। उसे प्लानिंग करके उठा लूं क्या? मालिक, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस डिपार्टमेंट पे हाथ डालेंगे तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? बुराई को अच्छाई से माफ कर दिया तो बहुत बड़ा पाप है। ये बात मैं शराब के नशे में नहीं बोल रहा हूँ। ए मालिक, तुम बहुत डेंजरस हो। हेलो। हेलो सर, सुबह टेलीविजन पर आपका न्यूज देखा, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले एसिड बाबू के सारे कारनामों का एक्सक्लूसिव मैटर विथ एविडेंस आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए फोन किया आपको। कौन हो तुम? CM. CM? Common man. Okay. ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? सुबह टीवी पर जोर से चिल्लाकर आप ही ने दिया, भूल गए सर? Okay. कहाँ आना है मुझे? बड़ी बस्ती के आउटर रिंग रोड पे। Okay, आ जाऊंगा। बॉस, आपने जिससे फोन किया वो पुलिस ऑफिसर है, ऐसा आपके पास कोई एविडेंस है या ये सब एक प्लान गेम है बॉस? वेट एंड सी। ओके बॉस। कौन है तू? पहचानो मुझे। कौन है तू? पहचानो मैं कौन हूं?
कौन है रे तू? तेरा मुझसे क्या संबंध है? कौन है तू? क्यों कर रहा है तू ये? मार दिया क्या? मुझे दो। बाय मम्मी। अब याद आई तुझे मम्मी? सुबह से कहाँ था रे तू? आंटी के साथ गया था मम्मी। उससे तूने ये क्यों लिया? ये लो रखो। थैंक यू पापा। जाके पढ़ाई करो। ये क्या है जी? आप भी सीता, लोगों की प्रॉब्लम तुम उसे बताओगी तो वो बेचारा क्या समझेगा? हा? जब देखो वो उसके पास पहुंच जाता है, क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे सुनो तो, बच्चों का दिल भगवान की तरह होता है, वो हर किसी को एक समान ही प्यार करते हैं। वो तो हम बड़े हैं जो नफरत की दुकान फैलाते रहते हैं। अभी बच्चों को ठीक से नहीं पालेंगे तो वो कल हमारा ही सरदर्द बन जाएंगे। हम इज्जतदार लोगों की सोसाइटी में रोज इस तरह से बन ठन कर उस आदमी के साथ कार में निकल जाती है। ऐसी भी औरतें होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है। पेट पालने के लिए इंसान को कब क्या करना पड़ जाए किसे पता। हमें हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए। मैं अपने छात्रों को भी यही शिक्षा देता हूँ। सबको सम्मान की नजरों से देखने की कोशिश करो, सबके अच्छाइयों को ही ध्यान में रखो। अब लाइट ऑफ करो, सो जाओ। केक काटो बेटा। रुकिए डैडी, आंटी को आने दीजिए। मम्मी आंटी आ गई। हाय आंटी। हाय राम। आप ही की बात हो रही थी और आप आ गई। चलिए यहाँ से। चलो। क्या हुआ इन लोगों को? निकलो, हमारा क्या काम है? आप रुकिए, जिनको जाना था वो गए, कोई बात नहीं। आप मेरे घर आई, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे को आपसे बहुत लगाव है, आप आई ये इसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू आंटी। पापा हैप्पी बर्थडे बेटा। ये सब क्या हो रहा है भाई? तुम मेरे घर में घुस के मुझे ही शांत होने के लिए कह रहे हो? कौन हो? इधर है रे। हेलो एक सेशन,
मेरे बॉयफ्रेंड का हाल। तूने अगर मेरी बहन को पटाया होता तो मैं खुद तेरी शादी करवा देता, लेकिन तूने मेरी बीवी को फंसाया। अब आ भी जाओ। एक मिनट आती हूँ। मम्मी, मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी कहीं भी तो नहीं। अब आ, बैठ जल्दी। दूसरों की तरह ट्रीट मत कर मुझे। आज मैं नहीं चल सकती, सॉरी। अंदर किसके साथ है रे? चुपचाप बाहर आ जा। भारत, पैसे पैसे पैसे, कितने पैसे उड़ाए मैंने तेरे ऊपर, इज्जत उतार कर रख दूंगा। बाहर आ जा। मम्मी, घर बर्बाद किया तेरे पीछे, और एक दिन नहीं आया तो कहती थी मर जाऊंगी, और आज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी ऐसा बोल रही है तू? देखता हूँ तू कैसे नहीं आती है। मैं यहाँ रोज तेरे पास आऊंगा, तुझे परेशान करूँगा। अरे मैं तेरे ऊपर मरता हूँ, आ जा। अगर तू नहीं आएगी तो याद रखना, फांसी लगा कर यही तेरे घर के सामने मर जाऊंगा। मम्मी बहुत डर लग रहा है। मम्मी बाबू, सेंट्रो बाबू, दे दूंगा भाई, भाई पुराना भी मिला करके दे दूंगा। ए, फाइनेंस लेने को होता है तो वापस नहीं देने को होता क्या? भाई भाई दे दूंगा, छोड़ दो। इसी हाथ से साइन किया था ना तूने? दे दूंगा भाई। बचकर भाग जाएगा? नहीं दे दूंगा, छोड़ दो। तुझसे कहा था ना झगड़ा नहीं करना, गुंडों की तरफ देखना भी नहीं, जो भी मिलेगा वो हाथ में उठा लेगा। चल घर पर, मैं बताती हूँ तुझे। परी, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए ना? तेरी ये कटीली अदाएं अभी तक कम नहीं हुई, तूने जो खुशी दी है मुझे। देखो मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज। तेरा रास्ता छोड़ के चला जाओ लाल परी? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। ए, कौन है रे तू? सर मैं वो कमीने, रोड पर लड़कियों से ऊंची आवाज में बात करता है, है? ए, तुम जाओ यहाँ से। ए, तेरा उसे क्या मैटर है रे? सर ये मेरा पर्सनल मैटर है सर, इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं सर। मतलब अब तू अपना ये पर्सनल अकाउंट बंद कर दे। सर इतने सालों से जो ट्रांजैक्शन चलता आ रहा है उसे मैं अचानक कैसे बंद कर दूं सर? नक्सलाइट बताकर तुझे अंदर करके मारूंगा। सर अकाउंट क्लोज किए हुए मुझे आधा घंटा हो गया सर। Good. आप संभालो सर, बाय सर। एक बैंक में न जाने कितने अकाउंट होते हैं, तो एक मेरा भी होगा उसमें। श्योर सर, डेफिनेटली आई विल सेंड इट। तेरी फाइल जो धूल में लिपटी हुई है ना,
अगर उसे मैंने ओपन कर दिया तो फिर तो जानती है ना, साइलेंट रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, ये ले दूध पी ले। यहाँ बल्लारी में धूप बहुत होती है, पूरी बॉडी जो है ना गर्म हो गई है। ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा नहीं पिलाओगी? प्लीज सर, अभी घर में मेरा बेटा है। वाह, तो ये कह रही हो जब बेटा ना हो तब आऊं? दरवाजा तो बंद हो गया सर, अब क्या? मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ सर। तुम मुझे बात बात पर सर कहकर मत बुलाओ, थॉमस बोलो ना। यू हैव दैट लिबर्टी। रोज बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ लेकिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। कोटा मुझे बता रहा था कि तुम मुझे खुश कर दोगी। सच है ना? चप्पल से मारूंगी तुझे, क्या समझ रखा है तूने? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की तो तुम्हारे ऑफिसर्स को कंप्लेन कर दूंगी। गेट आउट, बेहुदा इंसान। चले जा। तुम चुपचाप घर के अंदर तड़का लगाओगी तो बाहर खुशबू नहीं आएगी क्या? तुम जिन लड़कियों को धंधे पर चला रही हो उन्हें लॉकअप में डालने ले जा रहा हूँ। अब तेरी इंक्वायरी करनी है मुझे, पुलिस स्टेशन चलो। क्या धंधा करवा रही हूँ? हाँ, यही हमारी लीडर है। सुन लिया ना? मुझे क्या लगा कपड़े फाड़ना मुझे नहीं आता है, चप्पल से तू मारेगी मुझे? अभी वक्त नहीं गुजरा, चुपचाप चल मेरे साथ और कॉम्प्रोमाइज कर ले। मुझे इस तरह टॉर्चर मत कीजिए सर, प्लीज सर। जिस गोली पर भगवान ने मेरा नाम लिखा था उससे मेरी मां मर गई। मुझ पर खून का इल्जाम लगाकर मुझे रिमांड रूम में डाल दिया गया। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। बल्लारी जेल में ही मैं थॉमस के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहा था। वो बेंगलुरु में है मुझे पता चला, तो मैं इधर आकर सेटल हुआ। थॉमस के लौटने तक एसिड बाबू के साथ मिलकर बेंगलुरु में रहने वाले सारे गुंडों को खत्म करता रहा। सुबह गुंडे लोगों के सामने मर्दानगी दिखाकर जिसने लाइव नंबर दिया था ना एसपी थॉमस, वो बीच रास्ते में पड़ा हुआ है लाश बनकर। ए, कौन है तू? इस भूमि पर जिस चेहरे को तूने कभी नहीं देखा वही हूँ मैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई और भी अगर गुंडे लोगों के खिलाफ ऐसी मर्दानगी दिखाएगा तो उसका भी यही अष्ट होगा। गुंडों का नाम सुनते ही तुम्हें थोड़ा डर तो लगना ही चाहिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तुम पहले मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? डॉग स्क्वाड को फोन करो, एक कुत्ते को सूंघते हुए दूसरा कुत्ता वहां आ जाएगा। आधी रात को आपको जिस नंबर से कॉल आया था एसीपी थॉमस को मारने से पहले उन्हें भी इसी नंबर से कॉल आया था। हमने इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला सर, और ये नंबर बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के डॉन एसिड बाबू का है सर। मैं इस समय खड़ा हूँ कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने।
बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को एसीपी थॉमस ने एक ओपन चैलेंज दिया था, लेकिन अगले ही दिन उनका मर्डर हो जाता है। अगर अंडरवर्ल्ड का खौफ इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच में एक जंग छिड़ जाएगी। प्लान बनाकर उठा लूं क्या? और ऑर्डर को मेंटेन करने वाली खाकी पर ही गुंडों ने हाथ डाल दिया तो जनता का हम पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। मिस्टर शिव कुमार। यस सर। क्लीन द सिटी। मतलब बेंगलुरु के सारे जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए? देन व्हाट अबाउट मी? यस बोलोगी तो मंगलसूत्र और ना बोलोगी तो उठा ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा। चॉइस इज योर्स, मंगलसूत्र पहनना है या फिर उठा कर ले जाऊं। तुम भी अजीब बात कर रहे हो। मैं कब से हाँ बोलने के लिए तैयार बैठी हूँ और तुम भगाने की बात कर रहे हो। कब और कहाँ आना है ये बताओ। इसमें है 5 लाख रुपए तेरे खर्च के लिए, रख ले। हाँ, पैसे देकर अकेले भागने का प्लान है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो बाबू, जरा एक मिनट सुनो। जरा सुनो। चुप, अंदर जा, अंदर जा। बोल। इस गैप में मैं मुंबई जाकर सेकंड सेटअप कर लूंगा, इस डर से तू मेरे साथ आना चाहती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मन करता है कि हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूं। ठीक है, अभी जा, जल्दी से रेडी हो जा। शेषा तू किधर है? मैं घर पर हूँ। तू मंदिर में हो क्या? हाँ, भगवान का जुलूस निकल रहा है। अच्छा, हाँ बोलो। जल्दी से रेडी होकर मुंबई हाईवे पर आ जाओ। तुम्हारी आवाज़ कट रही है। मुंबई हाईवे पर आ जाना। ओके, आ जाऊंगी।
अरे कम ऑन जल्दी आओ। मालिक आ जाओ, पुलिस एनकाउंटर कर रही है। मालिक थैंक यू बाबू, सुपर टाइमिंग। सुपर टाइमिंग मेरी या तेरी? टाइमिंग हमेशा मेरी होती है मालिक। प्लान करके तेरे को फंसाया, तेरे भाई को उठाया, तेरे फोन से कमिश्नर को फोन करके एंटर बेंगलुरु में जो एनकाउंटर की आग लगाई है वो सब पता चल गया। आधा छुरा अंदर घुस चुका है, फिर भी तेरा घमंड अभी तक कम नहीं हुआ। तेरे अंदर यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये एटीट्यूड, ये घमंड। बाबू अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, तुझे मैं ही मारूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? पक्का। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले हाईवे पे चल। बॉस पहले हॉस्पिटल चलते हैं। बॉस पहले तू मेडिकल शॉप पे रहो, उसके बाद हाईवे। बॉस मेरी बात सुनो। बॉस चिका चिका हाईवे पे चल। ओके बॉस। मालिक। हाँ दम। हे लव यू यार, थैंक यू। अच्छा सुन बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है, जाकर मुंबई सेटल हो जाऊंगा। देखा मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कितना? ओ, 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 ओ,